हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, छोटी छोटी मशीनें लगा करके आत्मनिर्भर मत बन सकते हैं, इसी तलाश में हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर, जो काफ़ी सारे मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। एक नहीं, यहाँ पे लगभग 150 प्रकार के मशीनें यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो हम अभी आ चुके हैं मुजफ्फरपुर के हेलो डिस्पोजल में और दिखाने वाले हैं छोटी छोटी मशीनें लगा करके खुद का रोजगार स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन सा मशीन है, वो सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं यहाँ और इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि कौन सा मशीन आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। स्वागत है सर हमारे YouTube चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में। ये बताइए पहले सर हमारे व्यूवर्स को, थोड़ा सा जो नए व्यूवर्स है उसके लिए थोड़ा सा अपना कंपनी का एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम चेतन हुआ, हमारी कंपनी का नाम हेलो डिस्पोजेबल हुआ, जो कि मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर के नज़दीक मधौल विकास लाइन होटल के पास में है। ये बताइए सर हमारे व्यूवर्स के लिए आज कौन सी मशीन के बारे में जानकारी देने वाले? आज हम बताएंगे पेपर प्लेट मेकिंग मशीन के बारे में। पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट तो बहुत सारा नाम सुने हुए, लेकिन पेपर प्लेट में कौन सा मशीन है सर? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ पेपर प्लेट मशीन की सारी मॉडल बनाई जाती है। सारी जो चाहे वो मॉडल मिल जाएगा जी, हर मॉडल हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर की जाती है। आज हमारे व्यूवर्स को कौन से मॉडल के बारे में बताने वाले? आज हम चर्चा करेंगे क्रैंक वाली मशीन की, सिंगल डाई मशीन की। क्रैंक वाली सिंगल डाई, वो कौन सा मशीन है और कहाँ पे वो हमारे व्यूवर्स को? सामने देख रहे हैं यहाँ पे बन भी रही है और बनी हुई रेडी भी है। ये जो देख रहे हैं सब क्रैंक का मशीन है जी, ये सब क्रैंक में सिंगल डाई की मशीन है। ये अगर चलता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये 1 HP मोटर से चलता है। 1 HP मोटर से चलेगा जी। और ये 1 HP तो या उसमें सिंगल फेज कैसे है? वो सिंगल फेज की मोटर है। इसमें क्या क्या बन सकता है ये पहले बताइए, और उसमें रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है? इसमें कटोरी, प्लेट, थाली जो भी है सब बनाई जा सकती है। छोटा से लेकर के बड़ा सब बन जाएगा? छोटा से बड़ा तक सब बनाई जाएगी। तो ये बताइए इसका प्रोडक्शन घंटा की कितनी है? इसका घंटे का 1200 से 1500 प्रोडक्शन है। घंटे का 1200 से 1500 प्रोडक्शन। इसमें जनरली लोग पूछते हैं कि रोल भी है, तो रोल के इसमें मैटर क्या है इसका थोड़ा बताइए। रोल की चर्चा करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें स्टैंड लगाई जाती है। इसमें स्टैंड लगता है, उस स्टैंड में इस रोल को डाला जाता है। रोल के साथ ये इसमें रोल का पेपर निकाल करके फंसा दी जाएगी। हाँ। और ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक अपना प्लेट, कटोरा, थाली जो भी हो डाई के हिसाब से रोल लगाई जाएगी और वो काट के निकाले, जैसा डाई रहेगा वैसा कटेगा जी। देख रहे हैं दोस्तों, इस मशीन में कोई भी नहीं, अगर एक छोटा से लेकर के 12 जो भी है उसमें बना सकता है जी। ये बताइएगा इस मशीन को अगर जिसको स्किल नहीं हो पाएगा, स्किल नहीं है चलाना, कैसे चलाया जाएगा, वो कौन कौन सा चला सकता है, किसके लिए बेनिफिट हो सकता है ये? देखिए, इस मशीन को चलाने के लिए कोई स्किल्ड मैन या फिर कोई पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी इस मशीन को परचेज करके अपने घर ले जा करके, इंस्टॉलर जाएगा, मशीन को इंस्टॉल करेगा, चलाना सिखाएगा, इस मशीन को आसानी से चला सकता है। जो चाहते हैं कि जनरली देखते होंगे घर का महिलाओं जो बैठकर रोजगार भी रहती है, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब चला सकते हैं इसको। तो इसको जनरली ये महिला भी चला सकती है, जो भी अगर जो नॉन स्किल हो, जो पढ़े लिखे नहीं भी हो, उसके लिए भी ये बिजनेस कोई भी चला सकता है। तो ये बताइएगा सर, अगर ये बिजनेस हमारा व्यूवर चाहे दर्शक सोचते होंगे कि ये बिजनेस स्टार्टअप करे, तो वो कितना से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम प्राइस? देखिए, चूँकि वीडियो में तो हमारी मजबूरी है कि हम रेट खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन लोगों का कॉल आने लगता है कि सर आप रेट खोल देते हैं तो फिर हम लोगों को परेशानी होने लगती है। तो इसलिए हम वीडियो में तो रेट नहीं बता पाएंगे, लेकिन हर जगह से 15-20% यहाँ सस्ता मशीन मिलने वाली है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारे यहाँ हर क्वालिटी की मशीन बनाई जाती है। ये तो सही बात है दोस्तों, कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर से लेते हैं तो काफ़ी डिफरेंट में प्राइस बढ़ जाता है, अगर मैन्युफैक्चर से लेते हैं तो 10 या 20% का मिनिमम को डिस्काउंट मिलेगा ही। ये बताइए सर इसका सर्विस के बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा। जैसा कि हमारे सारे वीडियो में बताई जाती है कि 1 साल की सर्विस है, उसी तरह इस मशीन की भी 1 साल की सर्विस है। 1 साल का सर्विस है, इसमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो मैकेनिक जो जाता है या कैसे सर्विस उसको आप देते हैं? देखिए, मशीन में कुछ खास है नहीं, 0 मेंटेनेंस की मशीन है जी। फिर भी अगर मशीन में कोई खराबी आती है तो हमारी कॉलिंग नंबर है
सर्विस का जो नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए। जो भी परेशानी है सबसे पहले आपको वीडियो कॉल पे बताई जाएगी। वीडियो कॉल पे अगर सॉल्व नहीं होती है, नहीं होने वाली है वीडियो कॉल पे सॉल्व, तो कोई भी पार्ट्स खराब होती है एक साल की उसकी वारंटी होती है। या तो आप पार्ट्स लेकर के आ जाएं, यहाँ पे बदल के या बना के दे दी जाएगी, या फिर अगर उससे नहीं होता है, आपको मिस्त्री की ज़रूरत है तो मिस्त्री आपके यहाँ भेजी जाएगी। मिस्त्री का जो आने जाने का खर्चा होगा, जो उसका मिनिमम लेबर कॉस्ट होगा, वो आपको पे करना होगा। बाकी सामान का जो भी खराब होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बना के या बदल के दी जाएगी। देख रहे दोस्तों, काफ़ी सारी मशीनें हैं जो देखते हैं कि बहुत सारा ट्रेडर्स बेचते भी हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता। तो कहीं से मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि दोस्तों कहीं से भी मशीन लीजिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से ही वहाँ लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि मैन्युफैक्चर के पास बहुत सारे मैकेनिक होते हैं, उसको नॉलेज होता है उस मशीन के बारे में कि कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। तो सारी ये तो भी बहुत अच्छा बताया है कि कोई भी अगर फॉल्ट होता है, छोटी मोटी इसमें फॉल्ट होता है, तो वो वीडियो कॉल पे ही आपको सॉल्व कर देगा। उससे भी अगर बेहतर अगर चाहते हैं मैकेनिक बोलवाएं तो सर यहाँ से मैकेनिक भी जाता है। ये बताइएगा सर, हमारे व्यूवर्स को जो अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं लेकिन वो नज़दीक हो, तो आकर के विजिट करके वो अपने सामने में चला करके वो लेके जा सकते हैं। अगर वो दूसरे स्टेट से हो तो उसके अगर वो सोच रहे हो कि हम यहाँ से मशीन लें, वो तो उसके लिए कैसे कैसे सुविधा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि चाहे आप कहीं के भी हो, दिल्ली के हो, मुंबई के हो, कोलकाता के हो, गुजरात के हो, स्टेट से हो, कहीं से भी हो, आप सबसे पहले पैसे लगा रहे हैं मशीन को चलाने के लिए ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम विजिट कर लें। विजिट करके उसके बारे में समझ लें, उसके बाद विजिट करेंगे, बहुत सारी मशीनें दिखाई जाएंगी, बहुत सारे मॉडल होंगे, उसको देख करके समझ करके आप अनुभव प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जब तक आपको अनुभव नहीं होगी आप किसी काम को आगे बढ़ा नहीं सकते। ये तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कैसे चलेगा, कैसे उसको मेंटेन करना है, मार्केट में जितना कंपटीशन है, तो लोगों को सस्ता कैसे प्रोवाइड करेंगे, टाइम, ये सारी चीज़ जानकारी यहाँ पर आएंगे उसके बाद मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद बहुत सारी जानकारियाँ उनको मिलेंगी। फिर भी अगर आने में सक्षम नहीं है जी, बहुत दूर के हैं, आने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए हमारे कंपनी में सुविधा दी गई है। इसलिए नंबर पे कॉल कर लें, वीडियो कॉल पे मशीन को देख लें, जो मशीन पसंद आए उसका डेमो वीडियो ले लें, वीडियो कॉल पे देख लें, जो पसंद आए उस मशीन की 25-30% एडवांस हमारी कंपनी अकाउंट पे डाल दें। उसके बाद मशीन को नियर बाई मशीन को ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजा जाएगा। आपके नियर बाई ट्रांसपोर्ट में मशीन जब पहुंच जाए तो वहां पे जा करके आप मशीन का वेरिफिकेशन कीजिए, देख लीजिए जो मशीन आपको वीडियो कॉल पे दिखाई गई है, जिसकी डेमो वीडियो दी गई है, अगर वही मशीन है तो बाकी का रेस्ट अमाउंट पे करके आप वहां से हैंड टू हैंड मशीन ले जा सकते। अगर वो मान लीजिए उसको नॉलेज नहीं हो लेकिन वो क्या कहे मैकेनिक बुलवाना चाहते हैं वो अपने घर पे, वो अपने सीखने के लिए, तो उसके लिए आपके यहाँ पे कोई सुविधा है क्या? जी बिल्कुल, अगर आपसे खुद हो सकता है तो कोई बात नहीं, तो कर लीजिए, नहीं हो सकता है तो फिर मैकेनिक हमारे यहाँ से जाता है। वही होता है दोस्तों, कोई भी अगर बिजनेस करना है, स्टार्टअप करते हैं, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे मैकेनिक जो प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे बड़ी दोस्तों खासियत यही बात है कि कोई भी बिजनेस कीजिए उसको अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो मैकेनिक बुलवा करके उसका अपना जो भी चीज़ इसमें फॉल्ट होता है कैसे चलाया जाए सारा ट्रेनिंग लेके खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जब आप मशीन परचेज करने आएंगे, आपके व्यूअर्स आएंगे हमारे यहाँ मशीन परचेज करने जी, तो ऑन टेबल उनको सारी जानकारी दी जाएगी कि अगर उनको मैकेनिक का ज़रूरत है तो मैकेनिक दी जाएगी, नहीं ज़रूरत है नहीं दी जाएगी, जो भी बात होगी ऑन टेबल बैठ के आपस में डिसाइड की जाएगी कि उनको मैकेनिक देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो उसका चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, वो सारी जानकारी ऑन टेबल बैठने के बाद बताई जाए। तो चेतन जी, हमारे दर्शकों को इतना जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कंपनी में आकर वीडियो बनाने। देख रहे दोस्तों, छोटी छोटी मशीनें ले आकर के आप देखते भी हैं कि उतना भी बेरोजगार पे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि छोटी छोटी रोजगार ले आकर के आत्मनिर्भर करके भी दूसरे को भी रोजगार देना, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। छोटी छोटी मशीनें लगा करके आप भी रोजगार कर सकते हैं और दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं।
तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह का नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक नई बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।